सॉरी सॉरी यस सर कृतिका, ये नई टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और मैं कुछ सीख रहा हूँ इसके बारे में। आई मीन सुना है ब्लॉकचेन के बारे में पर कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आज ये फंक्शन अटेंड करके समझ में आया कि इट इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी। अब आगे जाके देखना पड़ेगा हाउ इट रियली ग्रोज एंड ग्रोज। बट ये मैंने सोचा था बिटकॉइन, ये जो बिटिका है बिटकॉइन की छोटी बेटी है, बट आई डोंट विल फाइंड आउट ये बेटी कितनी बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सर। First of all, I'd like to give my heartiest congratulations to Mr. Kajri, because I know this is the way for the future, and taking this initiative, having such a grand launch of it, and all the awardees to congratulate them. Proud to be at an event where probably in the future we'll count this as a milestone. So we are the future, this is the future, so glad to be in the present for the future. दोस्तों बीटिका ब्लॉकचेन अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पे बना है। 4 साल बीटिका ब्लॉकचेन को कंप्लीट हो गए हैं और आज हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और इस प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अवसर पे सभी मेहमान जो यहाँ पे आए हुए हैं उन सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा धीरे धीरे क्रिप्टो कम्युनिटी और ब्लॉकचेन कम्युनिटी कैसे बढ़ रही है इंडिया में और इसका क्रेज़ कैसे बढ़ रहा है। आने वाले साल में ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड और फ्यूचर ऑफ द इंडिया बनेंगे, और मेरी बेस्ट विशेस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया को और सभी लोगों को जो उससे जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मेरी बेस्ट विशेस है कि हम एक ऐसे अभियान में जुड़े हैं जो आने वाले समय में इंडिया की तारीख और तासीर दोनों बदल रहे हैं। As I said earlier, crypto is the best market to invest in right now, and I am also one of the investors, and I regularly invest on crypto, Bitcoin, Ethereum, BNB, all sorts of products, and I think it is the future once again, and I feel it's thoda sa unsafe hai, thoda sa volatile hai, but if you play safe or calculations agar properly karte ho, so you might end up earning a lot of money from it. But greed, agar karoge to phir bahut problem hai. Greed nahi karte hue, just invest the right amount of money and thoda sa patience ke saath greed nahi karte. Agar aap usme invest karoge, you'll get a lot of benefit out of it. Come. I think it's an excellent opportunity, and I would like to congratulate Dr. Sahil Kadri on this launch of 6 products. It was a learning experience for me because I'm not very well versed with bitcoins, etc. But I know it is the future, and it is something that we all need to learn. We need to study about it, because if we want to make get cars and you know investments doing well for ourselves, crypto is definitely the way forward. I am excited for her, and all I can say is Ananya, I wish you luck for Liger, jo 28 August ko release hoga. Looking at the trailer, what do you think? I am looking at the trailer, main chahta hu ki main aaj raat ko hi film dekhu. तमिल फिल्म जो मेरी आ रही है सरदार, वेल एक मैंने फर्स्ट टाइम एक डबल रोल समझ लो बट फ्रॉम द एज ऑफ 30 टू द एज ऑफ 60 का कैरेक्टर किया है, और हीरो का भी ट्रैवल है उसमें, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में, और मज़ा आया तमिल फिल्म करके। आई मीन मैंने प्रभास के साथ साहू की थी 2 साल पहले, यहाँ थोड़ी बहुत तेलुगु सीखी, इस बार मैं तमिल सीख के मैंने इस पिक्चर की रियली इन्जॉय। फिल्म ऑलरेडी नियरली कंप्लीट है, 80% शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। वी बीन शूटिंग फॉर द फिल्म फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, एंड वही तारा सिंह सकीना की कहानी जो आगे जाती है कि उनके लाइफ में अब क्या होता है,
अगर गदर वन फिल्म आप ये समझो कि गदर वन इंटरवल तक थी और गदर टू इंटरवल के बाद क्या होती है उसकी कहानी है, पार्टीशन पे बेस्ड है, इंडो पाकिस्तान है, बैकड्रॉप ऑफ वॉर है, इट्स अ पीरियड फिल्म अगेन बट कीपिंग तारा सकीना एंड द सेम फैमिली एग्जैक्टली एज इंटैक्ट. So that's a new story, like I said, of the same family. वही तारा सिंह और सकीना की कहानी है और उनके लाइफ में अभी एक हादसा और होता है 10-15 साल बाद. उनको उनकी शादी हो गई है, 15 साल बीत चुके हैं और अब क्या होता है 1970 में, तो उस ज़माने की कहानी है एंड बहुत ही इमोशनल कहानी है. जैसे गदर वन ने आपको रुलाया, हंसाया, गीतों से गुनगुनाया, गदर टू वैसे ही है. सो यस, अ डिफरेंट स्टोरी बट कीपिंग एवरीथिंग इंटैक्ट ऑफ गदर वन. Actually, I never wanted to be an actor, first of all. I always wanted to be a producer or a director. So I'm working on a couple of web series as a producer. And we made a film called Budhia Singh Born to Run a few years back and it won the National Award. So we are working on two other projects. I'm working on two other projects as a producer, but acting I'm not that sure. But if I get something very interesting, then कर सकती हूँ. बट अभी तो कॉन्फिडेंस भी चला गया एज एन एक्टर मेरा, बट वापस आने के लिए टाइम लगेगा. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. श्योर. सो मैंने अभी OTT पे फोकस किया है मिसमैच सीजन 2 जो नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, इट्स गोइंग टू रिलीज सून. उसमें आई हैव प्लेड अ रोल एंड इसके अलावा बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू स्टडीइंग, अभी मैं हार्वर्ड से हैव जस्ट रिटर्न, सो स्टिल गेटिंग ओवर द जेट लैग. आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम हार्वर्ड, तो वो भी एक फोकस. सो एक्टिंग एंड स्टडी साइकोलॉजी. Yeah, I just came back. Aapki web series aane wali hai ji, like what it will be all about, would you like to give some of the hint about it? सो दिस इज सीज़न 2. सीज़न 1 आ चुका है 2-3 साल पहले, ये सीज़न 2 है. सो रोहित सराफ एंड प्राजक्ता कोहली उनकी स्टोरी है जिसमें आई एम आल्सो प्लेइंग वन ऑफ द रोल्स. सो इट्स इंटरेस्टिंग. ब्यूटी विद ब्रेन्स. या ऑलवेज. लेकिन आज के स्टार है साहिल जी, जिनकी वजह से हमको इतना दिन बाद एक दूसरे से हम लोग मिल रहे हैं. चंकी जी से, अमीषा जी से इतना दिन बाद मिल रहे हैं. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम. और हम लोग सब चाहते हैं कि बीटीका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नंबर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बने और सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें इन्वेस्ट करें. एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. वी ऑल विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. 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 Th